Hi guys, मैं हूँ दीपिका कर प्राइम. वेलकम बैक टू माई दुनिया, यानी दीपिका की दुनिया. और आज ना मैंने ये बहुत अमेजिंग से चिकन भुना रोल्स एंड ये देखिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम बनाया है. सो आज मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने आपके साथ अपनी कोई अच्छी रेसिपी शेयर नहीं की. और ये हमारे घर पे सबको बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली नीचे तो सबको बहुत ही पसंद है. सो मैं अभी खा रही हूँ और फिर मैं नीचे लेके जा रही हूँ. तब तक आप जाके देखिए कि मैंने ये कैसे बनाया. सो मेरी रेसिपी फॉर चिकन भुना रोल, हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिकन के मैरिनेशन से. ये मैंने यहाँ पे लिया है 700 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन. उसके मैंने छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लिए हैं, ये देखिए. एंड बहुत ही सिंपल मैरिनेशन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इसमें मैं डालूंगी कर्ड यानी कि दही. एक कटोरी जो दही है मैंने इसमें डाल दिया. अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 2 चम्मच फुल. अब मसाले, सबसे पहले नमक. नमक हम डालेंगे 1 चम्मच, मैं डाल रही हूं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. लाल मिर्च, ब्लैक पेपर 1/2 स्पून. और अब मैं डाल रही हूं ये मेरा बनाया हुआ बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं. और अगर आप चाहें तो आप इसकी बजाय चिकन मसाला या गरम मसाला थोड़ा कम डालिएगा, वरना वो ज्यादा गले में लगेगा. सो आप चिकन मसाला यूज कर सकते हैं, आप तंदूरी चिकन मसाला यूज कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट टेस्ट मुझे पर्सनली इससे लगता है. तो इसलिए अब मैं डाल रही हूं अपना बिरयानी मसाला होममेड, ये मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच. और अब हम इस सब को पहले मिक्स कर लेंगे. सो ये अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो चुका है. अब हमें इसमें सिर्फ 2 चीजें डालनी है, थोड़ा सा ऑयल और नींबू. सो ये 1 फुल नींबू जो है इसमें स्क्वीज कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल. मैं अंदाजे से डाल रही हूं, आप अगर अंदाजा नहीं है तो 2 टेबलस्पून ऑयल तक आप डाल सकते हैं. और अब इस सब को हम मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे मैरिनेशन के लिए आधे घंटे तक रहने देंगे, ताकि वो अच्छी तरह से सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चिकन में मैरिनेट हो जाएं. सो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम लोग आटा रेडी कर लेते हैं, जो रोल के लिए हमें रोटी बनानी है, पराठा बनाना है उसका. सो यहां मैंने 2 कप्स ऑफ गेहूं का आटा लिया है. आप चाहें तो इसमें मैदा मिला सकते हैं, बट इट्स बेटर टू अवॉइड. तो मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है 2 कप. अब इसमें मैं डालूंगी नमक सबसे पहले. सो ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा. और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल लगभग 1.5 बड़े चम्मच. इसको सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. उसके बाद ये मैंने छोटे ग्लास में 1/2 ग्लास लिया है मिल्क. अब मैं इसमें पहले ये पूरा घोल लूंगी. और अब आप इसमें जितना रिक्वायर्ड पानी है उतना डाल के इसे एक मीडियम सॉफ्ट डो, जैसा हम रोटी के लिए गूंथते हैं वैसा, ज्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं. सो ये मीडियम सॉफ्ट आटा हो गया है हमारा रेडी. मैंने लास्ट में फिनिशिंग के लिए इतना सा ऑयल डाल के उसको प्रॉपरली गूंथ दिया है. अब इसे भी हम कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे. तब तक हम अपना चिकन रेडी करेंगे और फिर हम रोल बनाएंगे. सो अब हम अपना चिकन भुना चिकन रेडी करेंगे. मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि मुझे अनियन सबसे पहले जो है थोड़े गोल्डन ब्राउन करने हैं. सो ये मैंने 4 मीडियम साइज के अनियन जो है वो कट किए हैं और इसे हम तब तक सौते करेंगे जब तक ये थोड़े ट्रांसल्यूसेंट और लाइट ब्राउन ना हो जाए. ज्यादा एकदम गोल्डन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं. तो ये जो हमारे अनियंस हैं, ये हल्के से पिंकिश ब्राउनिश हो गए हैं ट्रांसल्यूसेंट से. बस इतना ही हमें इसे करना है.
अब मैं इसमें जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है वो डाल दूंगी। तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद हम लिड हटा के इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। मैंने इसे करीब 10 से 12 मिनट ढक के कुक किया। बेसिकली जब तक चिकन पूरी तरह से कुक नहीं हो जाता तब तक इसे ढक के रखने की जरूरत है। उसके बाद जो पूरा पानी है वो सुखा देने के लिए जरूरी है कि हम लेड हटा दें और फिर इसे अच्छी तरह से भूने ताकि ये भुना चिकन बन जाए। बहुत ही सैड था शायद। एनीवेज सो अभी जो है हमारा जो पूरा मसाला है वो काफी हद तक ड्राई आउट हो चुका है, लेकिन इसे और कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाने की जरूरत है ताकि ये और ज्यादा भुना हुआ टेस्ट इसमें आ जाए। सो हैव अ लुक। रोल को बेसिकली जब हम असेंबल करेंगे तो काफी सारे तरीके हैं। या तो आप मेयोनीज डाल सकते हैं, कुछ लोगों को एग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिर्फ चटनी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने 3 अनियंस जो है बहुत ही पतले पतले रिंग्स में काट लिए हैं। इसे आप पानी में भिगो के रख दीजिए ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो पूरी तरह से निकल जाए एंड वो क्रंच फैक्टर जो है आपके रोल में वो इस अनियन से आएगा। हम ग्रीन चटनी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इक्वल पोर्शन ऑफ पुदीना और हरा धनिया लिया है तो वो मैं डाल दूंगी। मैंने एक एक कटोरी दोनों लिए हैं, आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। और ये मैंने लिए हैं कुछ लहसुन के टुकड़े करीब 4 एंड 2 ग्रीन चिलीज। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ही थोड़ा, एंड करीब 1 से 1.5 चम्मच जीरा मसाला और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। अब मैं इसे पानी डाल के इसे चर्न करके रख लूंगी और फिर असेंबलिंग के वक्त जो है हम इसे भी लगाएंगे। तो मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस ऑफ रोल्स बना के दिखाऊंगी। तो देखो सिर्फ कुकिंग में ना सिर्फ खाना ही नहीं बनता है, कभी कभी ये भी होता है। ये देखिए आप, ये भी हो जाता है, कितनी मेहनत लगती है। और ये खड़ूस वैसे बैठे थे, मतलब ऐसे नहीं आएंगे मेरे ब्लॉग में, लेकिन क्योंकि मेरा पचका हुआ तो वो बताने जरूर आएंगे। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि मेहनत हर चीज में लगती है, कुकिंग के ब्लॉग में तो बहुत मेहनत लगती है। हालांकि ब्लॉग 10-12 मिनट का आता है लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। तो ये देखिए इसका एक ये नमूना, और क्या बोल, नमूना नहीं बोलेंगे, उसका एक एग्जांपल ये है आपके सामने। मैं साफ करती हूँ फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो सफाई हो गई है और मीनवाइल ये देखिए हमारा जो भुना चिकन है वो पूरी तरह से रेडी है। बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है इसमें, मैंने पूरा पानी अच्छे से सुखा दिया और अब रेडी है। चलिए अब हम इसकी रोटियां बनाते हैं और फिर रोल बनाते हैं। सो अब मैं बना रही हूँ हमारी रोटियां फॉर द रोल। उसके लिए थोड़ा आप जो नॉर्मल चपाती, जैसे हम चपाती बहुत पतली बनाते हैं, अगर आप भी पतली बनाते हो तो थोड़ा थिक रोल करना है, कोई लेयर्स नहीं चाहिए। और आप जो है उसे तेल से पकाएंगे, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि क्योंकि आपके आटे में मिल्क है तो इस वजह से थोड़ी सॉफ्ट भी रहती है, लेकिन बिकॉज यू आर कुकिंग इट विथ ऑयल तो वो हल्का क्रिस्पनेस भी आता है, तो रोल में बहुत मजेदार लगता है। सो अगर आपको अपना रोल विथ एग बनाना है तो मैं आपको वो बताती हूँ कि वो चपाती आप कैसे रेडी करोगे। पहले आप चपाती पूरी कुक कर लोगे, और अब इसके लिए इट्स बेटर अगर आप फ्लैट तवा यूज करें, जैसे कि डोसा तवा होता है। तो ये मैंने तवे पे हल्का सा ऑयल डाला है। अब ये एक फेटा हुआ अंडा मैं इस पे डाल रही हूँ और इसको आप अंदाजन अपनी चपाती जितना स्प्रेड कर लीजिए। और इससे पहले कि ये पूरा कुक हो इस पे आप जो है अपनी चपाती प्लेस कर दोगे। दैट्स इट। अब हमें वेट करना है जब तक एग कुक हो जाए, फिर हम उसको उल्टा पलट के और कुक करेंगे। सो ये आपकी एग रोटी रेडी है। अगर आपको सिर्फ एग रोल खाना है ना तो इसके भी बीच में आप चटनी डाल के, अनियन डाल के रोल करके खा सकते हो, बहुत यम लगता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सो अब असेंबलिंग, ये मैंने बटर पेपर के इतने हिस्से काट के रखे हैं फॉर रोल बनाने के लिए, तो वो बाद में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसको मैं हाफ रोटी जो है वो पेपर के ऊपर रखूंगी और हाफ बाहर।
अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना स्प्रेड। सो मैं आज सबसे पहले यूज करूंगी मेयोनीज। ये दोनों जो है वेज मेयोनीज है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम अपना चिकन रखेंगे। तो ये मैं अनियंस को स्ट्रेन करना भूल गई थी, तो आप जब असेंबल करने बैठेंगे तो आप पानी जो है वो स्ट्रेन करके बैठिएगा। सो ये हम इस पे अनियंस डाल देंगे, कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक बहुत ही अच्छा क्रंच इफेक्ट ये अनियंस आपके रोल में लेके आएंगे एंड बहुत ही यमी लगता है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये ग्रीन चटनी। और अब हम इसे एकदम केयरफुली रोल कर देंगे और ऊपर से ये बटर पेपर भी अच्छी तरह से हम लोग रैप कर देंगे। और जो नीचे के हिस्से में बटर पेपर बचेगा उसे आप इस तरह से टक इन कर दें ताकि जब आप इसे खाएं तो नीचे से गिरे ना। सो ये हमारा एक रोल रेडी है। दिस वाज चिकन विद मेयोनीज एंड चटनी। ऐसे ही मैं अभी आपको बाकी ऑप्शंस भी असेंबल करके दिखाती हूं। सो अब हम बनाएंगे एग विद चिकन एंड चटनी। ये एग रोटी के ऊपर मैंने चिकन डाल दिया, इसके ऊपर मैं अनियंस और चटनी डाल दूंगी और हम रैप कर देंगे। और अब ये एग रोटी के ऊपर आप थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे, उस पर अनियंस और चटनी डालेंगे और रैप कर देंगे। तो ये आपका एग रोल रेडी है। अब मैं बनाऊंगी चिकन रोल विद चीज़। तो ये सबसे पहले मैं चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ, ये प्लेन कोई फ्लेवर का नहीं है। इस पर मैं थोड़ी सी मेयोनीज लगा रही हूँ और उसके ऊपर चिकन, उसके ऊपर अनियंस, चटनी एंड दैट्स इट। तो चिकन रोल हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे ब्राउनी। आइसक्रीम आज मैंने बाहर से मंगाई है, वेनिला आइसक्रीम रखी हुई है, तो फिर तो डिजर्ट में होगा ब्राउनी विद वेनिला आइसक्रीम। वाह वाह वाह। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ऑफ मैदा, ये मैं इस बोल में डाल दूंगी। इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप ऑफ कोको पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सो ये ब्राउनी के लिए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हो गया है मिक्स, इसे हम रख देंगे साइड में। और अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन ब्राउनी के मिक्सचर से। ये मैंने यहां पे लिया है 1 कप ऑफ मेल्टेड बटर और ये अनसॉल्टेड बटर है। तो इसमें अब आप ऐड करोगे 3 eggs। ये है 1 कप ऑफ ब्राउन शुगर, ये है 3/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर, 1 tablespoon ऑफ वेनिला एसेंस एंड ये है 1 tablespoon ऑफ कॉफी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इट्स नाइस एंड स्मूथ। अब इसमें जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्स था वो मैं डाल दूंगी। सो मेरे पास डार्क चॉकलेट का जो है ब्रिक था, तो उसको मैंने चॉप कर लिया और इस तरह से छोटे पीसेस कर लिए। आप चाहें तो अगर आपके पास इस तरह से डार्क चॉकलेट चिप्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कम थे, ये हमें चाहिए 1.5 कप, तो मैंने इसलिए इसे चॉप कर लिया है। और अब आपको सिर्फ इसमें फोल्ड इन करना है, यानी कि ये डालने के बाद सिर्फ इस तरह से इसको हल्का हल्का मिक्स करना है, दैट्स ऑल। सो ये मेरी 8 inch by 8 inch की स्क्वायर डिश है, इसको मैंने लाइन कर लिया है, नीचे बटर पेपर लगा दिया है, साइड में बटर और फ्लोर से उसको लाइन कर लिया है। और अब मैं ये जो हमारे ब्राउनी का जो बैटर है वो इसमें डाल दूंगी। सो अब मैं इसे बेकिंग के लिए डाल दूंगी। मेरा जो ओवन है वो ऑलरेडी प्रीहीट हो चुका है, मैंने 200 डिग्रीज पे उसे 15 मिनट्स के लिए प्रीहीट किया है। अब चलिए इसे ओवन में डाल देते हैं।
एकदम परफेक्ट ब्राउनी बेक हुई है, ऊपर का कवर क्रंची है एंड अंदर से वो जो चॉकलेट हमने डाला था वो बीच बीच में मेल्ट हो रहा है, तो बहुत ही अमेजिंग है ये। मैं इसे कट कर रही हूँ एंड मैं इस तरह से इसके स्क्वायर पीसेस कट करके इस पे आइसक्रीम रख के इसे सर्व करूंगी। सो आज का मेरा स्पेशल मील रेडी है। यहाँ मैंने बनाया है चिकन भुना रोल, जो मैंने अलग अलग स्प्रेड के साथ आपको बताया है, एंड एग रोल भी है। और ये मैंने बनाया है चॉकलेट ब्राउनी, जिस पे मैंने वेनिला आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस डाल दिया है। खाओगे? नहीं नहीं बेचारे, बहुत डिफिकल्ट डाइट पे, मत खाओ। टेस्ट करता हूं उसे, वो नहीं। कौन सा वाला खाना है? कौन सा वाला खाना है? मतलब मेयोनीज के साथ है, मेयोनीज और चीज के साथ है, विदाउट कुछ प्लेन नहीं है? प्लेन थोड़ी सी मेयोनीज तो खाओगे। ये एग वाला खाना है? नहीं ना, इनको एग वाला नहीं पसंद। बहुत अच्छा, सच में बाहर के रोल की ज्यादा रही। खा लो। मेरा चिकन अभी ये अपनी डाइट के बहुत पक्के हैं। ये देखने में अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नो बट द ब्राउनी इज वेरी यम। मैंने थोड़ी सी टेस्ट की, उसके अंदर वो जो हमने चोको चंक्स जो हमने फोल्डिंग किए थे वो हल्के हल्के मेल्ट हो गए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो ये एक बहुत ही क्विक रेसिपी है, जब आपको कुछ कुछ स्नैकी प्लस कुछ थोड़ा सा फिलिंग, कुछ अच्छा सा खाने का मन करे तो आप अपने लिए बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस रेसिपी को बनाइए, और जब इंस्टा पे फोटो डालेंगे तो मुझे टैग जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। बाकी love you guys।